वो कहते हैं ना, साथियों की दुनिया से मांगोगे तो ताने मिलेंगे, दुनिया से मांगोगे तो ताने मिलेंगे, लेकिन जगजननी माँ से मांगोगे खजाने मिलेंगे। बात तो सच है ना। चलिए जी, शुरुआत करते हैं इन्हीं कुछ खूबसूरत पंक्तियों के साथ आज का व्लॉग, आज के वीडियो की। और मैं अपने खासकर YouTube या फिर Instagram, Facebook, जहाँ जहाँ से भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं आप, मेरे Facebook मित्र, YouTube के सब्सक्राइबर और Instagram पर भी अगर मेरी वीडियो देखते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। और मैं सोमनाथ शर्मा, कटरा वैष्णो देवी से हमेशा ये कोशिश, प्रयास, पहल करता हूँ कि अपने एक डिजिटली प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोग जो है जिस प्रकार से धीरे धीरे करके एक एक करके इनका तिनका करके जुड़ते जा रहे हैं और एक कारोबार बनता जा रहा है। यूट्यूब की अगर मैं बात करूँ साथियों, तो लगभग कल मैं जब व्हाट्सएप पे मैंने एक स्टेटस लगाया था कि सिर्फ 2 लोग कम हैं, हाल करीब करीब को 86 सब्सक्राइबर जुड़ने में, ये यूट्यूब की बात कर रहा हूँ मैं साथियों। तो पता नहीं आमे से बहुत सारे कहाँ कहाँ से लोग जुड़ते जा रहे हैं। तो आज एक बात ये भी है कि यूट्यूब पर जो है 8600 जो संख्या है वो पूरी हो चुकी है डेली जाता ब्लॉग। इसके लिए खासकर जो लोग जुड़े हुए हैं वो तो मेरी तरफ से बधाई के पात्र हैं ही हैं, पर जो लोग अभी हाल फिलहाल में जुड़े हैं उनको भी हमारे इस पूरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और मैं उम्मीद करूँगा जिस तरह मैं आप लोगों को ज़्यादा नहीं कर सकता हूँ, बट छोटी मोटी जानकारियाँ जो आप लोग कमेंट्स में पूछते हैं वो देने का मैं प्रयास करता हूँ, और आगे भी साथियों में ज़रूर करने का ये काम आप लोगों के लिए करता रहूँगा। और मुझे सिर्फ एक डिजिटली जो सपोर्ट है आप लोगों की, लाइक वाला बटन दबा के कहीं अगर आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं, फैमिली मेम्बर्स आपके, रिश्तेदार आपके, आने वाले जो दोस्त हैं हमारे भविष्य में, उन तक अगर मेरी वीडियो पहुँचा देंगे तो उनकी बड़ी बात है। और सच्चाई एक ये भी बताता हूँ कि इस साल में 2024 की अगर मैं बात करूँ तो आप में से बहुत सारे लोग जो मेरे इंस्टाग्राम पर वीडियो देखते हैं, जो मेरे फेसबुक पर चैनल देखते हैं, वीडियो देखते हैं, उनमें से काफ़ी ऐसी मेरी बहनें, ऐसी मेरी माताएं, ऐसे मेरे दोस्त, ऐसे मेरे भाइयों ने 2024 की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी रेफरेंस, रिकमेंडेशन उन लोगों ने मेरे कामकाज को लेकर दी है। अब देखो, ज़्यादा बड़ा काम तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम एक 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 सटीक जानकारियों के साथ साथ जो भी छोटी मोटी सुविधाएं हैं वो देने का प्रयास कर सकता हूँ। अब देखो, बहुत सारे लोग मुझे कई बार पूछते भी हैं कि हमारी जो ना आपसे बात नहीं हो पाती है, जब आप हम कॉल करते हैं या फिर हमें ज़रूरत होती है तो आप फ़ोन नहीं उठाते। उसका भी रीज़न मैंने कई बार वीडियो में जिक्र किया हुआ है और मैं आज भी बताना चाहता हूँ। देखिए, मेरा एक अपना व्यक्तिगत सोच है, शायद आप लोगों को अच्छी लगे या ना लगे, मेरी एक सोच है कि कम लोग, यानी लोगों के साथ मैं फैसिलिट करूँ यहाँ पर, लेकिन अच्छा करूँ। किसी के साथ अगर कोई कमिटमेंट करूँ तो मैं कोशिश भी करूँगा कि निभाने का, चाहे वो प्यार का कमिटमेंट है या फिर काम का कमिटमेंट है, वो मेरा एक प्रयास रहता है। और दूसरी चीज़ ये कि जितना भी आप लोग देख सकते हैं कि हमारे यहाँ कटरा हो गया, आसपास के लोकल मंदिर्स हो गए, पत्नीटॉप, नथाटॉप हो गया, भद्रवाह हो गया, या फिर अपने शिवपुरी की यात्रा होगी, ये हमारे एक स्थानीय रोज़गार है पर्यटकों के लिहाज से, स्थानीय लोगों के लिए। तो यहाँ पर भी अगर आप लोग विजिट करना चाहते हैं तो मैं वहाँ पर भी कोशिश करता हूँ कि खासकर जो ऐसे लोग उस पर उम्मीदें लेकर आते हैं तो कहीं ना कहीं मैं उनके साथ भी जाने का प्रयास करूँ। तो फिर इसी की वजह से मैं आप लोगों को कॉल्स वगैरह नहीं पिकअप करता हूँ। और जब कई बार क्योंकि मैं हर दिन तो यात्रा भी नहीं कर सकता हूँ, मेरी कोशिश रहती है हफ्ते की 2 यात्राएँ करने की और बीच में एक रेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। थकावट भी हो जाती है, सच बात आप रोज़ी रोटी तो है ही है, बट रोज़ी रोटी के साथ हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि मेरा मन वैष्णो देवी के लिए नहीं होता तो शिवपुरी निकल के जाता हूँ, कई बार शिवपुरी के लिए नहीं होता तो पत्नीटॉप निकल जाता हूँ। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, क्योंकि मैं एक करंट सिचुएशन देख के आता हूँ वहाँ पर यात्रा आंकड़ा कितना है। और सबसे बड़ी बात, प्रशासनिक लोगों की काफ़ी सपोर्ट है, जिस तरह श्राइन बोर्ड की तरफ से कोई डिटेल्स मेरे को आ जाती है स्थानीय पत्रकारों की मदद से, उधर शिवपुरी श्राइन बोर्ड की तरफ से कोई जानकारी अगर न्यू अपडेट होती है पर्यटकों के लिए तो वो देने का प्रयास करता हूँ। और अलग अलग जिस तरह पत्नीटॉप डेवलपमेंट अथॉरिटी है तो वहाँ से भी कोई जानकारी आती है, उधर अपने जम्मू एंड कश्मीर मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट यानी मौसम वेदर अपडेट को लेकर, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो खासकर पर्यटकों के लिए ज़रूरी होती हैं, तो वो देने का प्रयास करता हूँ मैं।
अब ये है कि आप लोग, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आप लोग डायरेक्टली वन एंड वन कंसल्टेशन ट्रैवल के संबंधित रिगार्डिंग योर सर्विस भी ले सकते हैं। उसके लिए डेली यात्रा व्लॉग्स के यूट्यूब चैनल के साथ साथ डिस्क्रिप्शन यानी बायो में जाकर एक लिंक होगा, उसे आप क्लिक करके सीधे ओपन करके अपनी कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि मेरा जो टाइम है लगभग 20 से 30 मिनट जो आपको दूंगा, कहीं ना कहीं आप लोगों को बेटर मैं गाइड कर पाऊंगा। अब चलते में पहुंचते कॉल करूंगा, आपकी कुछ इंक्वायरीज क्या है वो ध्यान से अच्छे से टैकल नहीं होता, इसलिए हो सकता है कि आपसे मैं फ़ोन पे या फिर मैसेज पे भी ज़्यादा रिप्लाई नहीं कर पाता। बाकी हाँ, एक बात याद रखना कि जिसकी जिम्मेदारी अगर मैं लेता हूँ या फिर कोई भी आप मौका देते हो एक सर्व करने का, तो वो मैं निभाने का भी पूरा प्रयास करता हूँ। और यकीनन इस साल तो मैं माता रानी का भी थैंक्स करना चाहता हूँ, और आप लोगों का भी एक बड़ा जो है प्यार जो है खासकर मेरे इस ट्रैवल के काम को लेकर, सोशल मीडिया यानी इंस्टाग्राम या पता नहीं लोग मेरी वीडियो ज़्यादा देखते हैं, फेसबुक पर देखते हैं, यूट्यूब पर देखते हैं या फिर सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर देखते हैं। बट सच्चाई ये है कि आप में से बहुत सारे लोग कई बार मुझे पूछते हैं कि हमारी सिस्टर आ रही है वैष्णो देवी, उनका परिवार आ रहा है, हमारे दोस्त आ रहे हैं, हमारे मोहल्ले के लोग जो रहते हैं वो आ रहे हैं, हमने आपका नंबर दिया है, या इनसे बात कर लीजिए, इनको थोड़ा कंप्लीट गाइड कर दीजिए। तो मेरा एक प्रयास रहता है कि चलो आप, मैं तो उनको नहीं जानता लेकिन आप जानते हैं अपने आने वालों को, तो एटलीस्ट आप मेरा रेफरेंस ले सकते हैं, ये तो होगी आपकी सपोर्ट। अब यहाँ जब आते हैं तो मेरा भी एक दायित्व बनता है कि कम से कम जो लोग मेरे YouTube चैनल या सब्सक्राइबर आते हैं उनको, देखो ज़्यादा तो नहीं, मैं पहली चीज़ें तो क्लियर करना चाहता हूँ, जो हो पाता है तो मैं उनको ही कहता हूँ कि उनको कहते हैं ना कि झूठ बोलने से इंसान आगे नहीं बढ़ता है, तो हमेशा ये है कि सच्चाई पर चलना चाहिए। वो सच्चाई मतलब कि लोगों को शायद थोड़ा कड़वी भी लगती होगी, लेकिन ये है कि सच्चाई सच्चाई ही होती है। और जब आप यहाँ पहुँचते हो तो आप देखते भी होंगे कि ज़्यादातर मैं जब लोग आते हैं तो कम मिलता हूँ, लेकिन जब जाते समय मुझे पता होती है कि मेरा कौन सा गेस्ट जो है, कौन सा कस्टमर जो है, कब कहाँ से डिपार्चर हो रहा है और कब कहाँ से उसको ड्रॉप करना है। तो जैसे ही ड्रॉप होता है उससे आधा घंटा घंटा पहले मैं अपना टाइम निकाल कर उनके पास जाता हूँ और ओवरऑल पूछता हूँ कि क्या जो ड्राइवर्स वगैरह थे अच्छे से बिहेव किया, स्थानीय लोग जो मिले वो कैसा रिव्यू रहा, होटल में आप रुके होटल में कैसा रिव्यू रहा, एक जो उम्मीद थी आप लोगों की वो उम्मीदों पर क्या ये लोग खड़े उतर पाए नहीं होते, उससे क्या होता है रिव्यू लेने से क्या होता है कि मुझे एक पता चल जाती है कि जो पर्यटकों की एक उम्मीद थी, पर्यटकों की जो एक विश थी, तो क्या वो फुलफिल हो पाई या नहीं हो पाई। अगर नहीं हो पाती तो अगली बार इंसान बेटर करने की कोशिश करता है, बेटर अपने आप को भी इम्प्रूवमेंट करता है, तो ये बड़ी चीज़ इम्पोर्टेंट प्ले करती है रिव्यू और फीडबैक भी ट्रैवल के संबंधित। तो आज के लिए तो मैं बस इतना ही कहूँगा साथियों कि आने वाले दिनों में खासकर आप जम्मू कश्मीर आ रहे हैं या फिर वैष्णो देवी आ रहे हैं, मैं इतना ही कहूँगा कि आने से पहले अगर कोई ट्रेन टिकट्स की ज़रूरत हो तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं, लगभग 2-3 महीने पहले ट्रेन टिकट्स बुक होना शुरू हो जाती हैं। आजकल तो रेलवे ने एक बड़ा सख्त रूल बना लिया है, 60 डेज पहले ही शायद ओपन होती है, इसलिए आप जब भी आने का प्रोग्राम हो पहले वो डिसीजन अपने फैमिली में कर लीजिए, जहाँ पे जो आपके ट्रैवलर्स यानी जो यात्रीगण हैं, पर्यटक लोग हैं, टूरिस्ट लोग हैं, उनके साथ ग्रुप में डिस्कशन कर लीजिए। फिर उसके बाद जो है एक कापी पेन ले लीजिए, उस पर पूरी एक डिटेल बना लीजिए, ताकि देखो लिखित रूप में चीज़ें हों तो बड़ा अच्छा रहता है। तो मेरा तो स्वाभाविक नेचर ही है, मैं कुछ भी अगर करता हूँ तो बड़े रिटन तरीके से करता हूँ, ताकि मेरे को एक मेमोरी रहे कि मेरे साथ कौन आया, कौन मिला है और कैसा रहा। तो ट्रेन टिकट्स अगर चाहिए तो उसके लिए भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ जैसे हमारा जम्मू कश्मीर है, तो जम्मू कश्मीर की जो नज़दीकी मेजर सिटीज़ हैं, जैसे आप अमृतसर ले लो, अपने जलंधर ले लो, लुधियाना ले लो, पानीपत ले लो, अपने दिल्ली ले लो, चंडीगढ़ ले लो, तो ये जो मेजर सिटी हैं इनसे ना कई बार ट्रेन टिकट्स नहीं भी होती तो लोग बस के माध्यम से आ जाते हैं। तो आप बस टिकट चाहे स्लीपर हो चाहे कैसी भी हो, तो आप लोग उसके लिए भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और दो चीज़ें होगी यानी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, आप कैसे जम्मू या कटरा पहुंच सकते हैं, आप बता दिया ट्रेन टिकट और बस टिकट, दोनों में से अगर कोई भी मन करे तो आप एक बार मुझसे करना। चार्जेस अब आपके मन में आ रहे होंगे, चार्जेस देखिए जो रेलवे का रेलवे की टिकट्स के चार्ज होंगे मैं वही लेता हूँ,
और रही बात बस की, तो बस का जो मिनिमम सूटेबल जो रेट्स होते हैं वही मैं प्रयास करूँगा, खासकर ऐसे लोग जो यूट्यूब या इंस्टाग्राम से जुड़े हुए हैं। उसके बाद जैसे एयरलाइंस, कई बार क्या होता है टाइम, आप मतलब टाइम बहुत शॉर्ट रहता है आप लोगों के पास, लोग बिजनेस करते होंगे तो एयरलाइन टिकट जैसे दिल्ली टू श्रीनगर हो गया, उसके बाद दिल्ली टू जम्मू हो गया, अमृतसर टू जम्मू हो गया, तो आप लोग जो है फ्लाइट की टिकट्स, एयरलाइन की टिकट्स भी आप मेरे माध्यम बुक कर सकते हैं। अब ये समझ लीजिए कि तीन शाम जो है आप लोगों के लिए टाइमली अगर लोग कंटेक्ट करते हैं तो ये करने का पूरा प्रयास करें। काम तो देखो बिना इनके तो आप ऐसे भी नहीं आ सकते हो, या तो पर्सनल अपनी गाड़ी होगी तो वो अलग बात है, बट सब लोगों के पास नहीं होती, जिस तरह मेरे पास भी नहीं है। कुछ लोगों के पास अगर होगी गाड़ी तो वो भी बड़े बड़े दूर से अगर आते हैं तो कहाँ इतना एक्सप्लोर कर पाएंगे। बट एक बेटर ऑप्शन यही है कि आम लोगों के लिए ट्रेन का ऑप्शन, मुझे जो अपनी तरफ से सजेशन है वो यही है, ट्रेन की जर्नी से ही आइए कोशिश कीजिए। उसके बाद साथियों जब आप कटरा पहुँच जाते हैं तो कटरा बहुत सारे लोग ऑलरेडी बहुत बार आ चुके हैं, बट फिर भी लेटेस्ट अपडेट के साथ लेटेस्ट जानकारियाँ, शायद आप लोगों को उस समय की करंट नॉलेज ना हो तो आप लोगों को कोशिश करूँगा कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी ना हो। बाकी देखो हम तो एक साधन है, जरिया करने कराने वाली वो बैठी होते हैं माता रानी, ठीक है, जिसने मुझे मिलाना है तो वो मिलाना ही है, किसी की वो रोजी रोटी चला रही है तो वो उसकी चला रही है, जहाँ बैठ कर भी, और अगर आप कहीं अपनी जगह पर हैं अपने शहर में हैं तब भी उसका कहीं ना कहीं आशीर्वाद है, इस बात को कभी भी ज़िंदगी में मत भूलना। और मैं तो भाई बहुत अपने वक्त को याद करता हूँ, बचपन से लेकर जब मैं छठी सातवीं आठवीं की यादों पे लेकर और अब तक के सफ़र को, मतलब माता रानी ने सच बताऊँ तो कदम आगे ही बढ़ाया, पीछे नहीं बढ़ा। उसका कई बार सोचता भी हूँ कि यहाँ बहुत सारे लोगों की काफ़ी छोटी मोटी में, मतलब कि जितना हो सकता है तो बेस्ट करने का प्रयास करता हूँ। और इसके अलावा साथियों जब आप कटरा पहुंच जाते हैं तो अब कई लोगों का ये भी रहता है कि यहाँ पर होटल, गेस्ट हाउस, डॉर्मेट्रीज महंगे सस्ते बजट कैसे मिले, तो आप सभी को बताना चाहूँगा, कोशिश ये कीजिए कि देखिए बहुत सारे लोग लग्जरी सुविधाएँ भी और यहाँ पर अवेलेबल है। कटरा एक ऐसा शहर है आप जिस प्रकार के भी सुविधा लेना चाहते हैं, डॉर्मेट्री तो 100-150 की शुरू हो जाती है कटरा में, 100-150 सोचिए आप, 100 रुपये में आप नाइट स्टे कर सकते हैं, उसके बाद कोई गेस्ट हाउस नॉर्मल रूम लेना तो 300 में मिल जाता है, थोड़ा सा अच्छा लेना तो 700-800, थोड़ा सा अच्छा लेना है विद अटैच बाथरूम तो 1000 तक अच्छा एक प्रॉपर एसी वगैरह लगा होता है, अटैच बाथरूम वगैरह सब कुछ मिल जाता है। बट फिर भी आप लोग बताइए, मेरी तो कोशिश रहती है कि जो भी आप होटल की गेस्ट हाउस की बुकिंग रखी तो पहले आपको इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि जी आपका होटल है, जी लोकेशन है, इतने का प्राइस पड़ेगा। उसके बाद जब यात्रा के समय भी बहुत सारी जानकारी रहती है, क्या आपको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये चीज़ें बताने का मैं प्रयास करता हूँ, सुनना आपका काम है मेरा नहीं है, मैं सिर्फ बताऊँ 10-20-30 मिनट जितना भी हो सकता है गाइड करने का पूरा प्रयास करूँगा, सुनना आपने, सुन लोगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए, एनर्जी भी आपकी बचेगी, पैसा भी कहीं ना कहीं बचाने का प्रयास करूँगा, सबसे बड़ी टाइम किस तरह आप लोग यूटिलाइज करेंगे ये बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है टूर में। और जब यात्रा करके आते हैं सामने खूबसूरत पहाड़ों से प्रकृति नज़ारे लेकर तो इंसान थक जाता है, तो रेस्ट की ज़रूरत होती है, तो आप नाइट स्टे जरूर फिर कटरा कीजिए। उसके बाद समय है तो शिवपुरी, मैंने कई बार आपको बोलता हूँ कि शिवपुरी यात्रा ज़रूर कीजिए, रास्ते में पॉइंट भी आपको देखने को मिलेंगे, एक्सप्लोर करने को मिलेंगे, मन करे हिल स्टेशन पत्नीटॉप नत्थाटॉप सन्नासर वैली जाने का तो ज़रूर वहाँ भी जाइए, एक नाइट स्टे वहाँ कीजिए। लेकिन अब विंटर आ रहा है यानी सर्दियों का मौसम है, दोपहर का समय इस समय जैकेट मैंने भी पहनी है, तो आप लोग कोशिश कीजिए कि समय अगर हो तो जो लोग कश्मीर नहीं गए तो इस बार कश्मीर के सपने को भी पूरा कीजिए। बट मैंने ये ऐसी खबरें भी सुनी हैं, अभी ब्लॉगर्स बहुत सारे न्यूज़ बहुत सारी ये सेपरेट हो रही हैं कि अब कश्मीर तक जो है सफ़र बहुत आसान हो गया, यानी ऐसा कहें कि अगर रात को वहाँ दिल्ली से बैठते हैं सोकर तो आप सुबह कश्मीर करेंगे, ऐसा ही भी खबरें चल रही हैं। उम्मीद है कि 26 जनवरी अगले साल, महीने को ज़्यादा बचे नहीं हैं, 2-3 महीने ही बचे हुए, सबसे बड़ी बात कि काम की तो जितनी दिक्कत है वो हमारे रियासी में, यानी डिस्ट्रिक्ट रियासी में रेलवे लाइन है, थोड़ा बहुत कोई माइनर जो है काम बचा हुआ है, बाकी आलमोस्ट पूरा होगा, और रेलवे के सीनियर ऑफिसर
अफसर भी विजिट कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात केंद्र सरकार की तरफ से मंत्रालय भी यहाँ पर भेजे जा रहे हैं ताकि एक बार फाइनल रिव्यू हो जाए। उम्मीद ये है कि 2025 जनवरी 26 जनवरी के दिन जो है खुद हमारे देश के प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे, ट्रेन नई दिल्ली से लेकर कश्मीर तक। तो अगर तब आना है तो तब भी आ सकते हैं, लेकिन उससे पहले भी आना चाहते हैं तो फिर टैक्सी का भी मज़ा ले सकते हैं, क्योंकि ट्रेन तो निकलती जाएगी सुरंगों के बीच से, उसका भी मज़ा लीजिए, पर जो टैक्सी का मज़ा है वो एक अलग ही मज़ा है और एक अलग ही रास्ते में देखने को मिलेगा। श्रीनगर की बात कर रहा हूँ मैं, श्रीनगर के लिए तो 4-5 दिन होना भी चाहिए, पैसे भी होना चाहिए। अब कितने पैसे होने चाहिए ये तो आप मेरे को जब आप लोग बात करेंगे तभी मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि किस तरह की सुविधाएं रहती हैं, क्या क्या होटल रहेंगे, क्या क्या घूमेंगे, क्या क्या गाड़ी रहेगी, वो सारा एक टाइम लगता है, उस टाइम को आपने निकालना है और मैं भी निकालूंगा, उसके बाद वन एंड वन कंसल्टेशन होगी तो तभी पता चलेगा। अब ये सारी चीज़ें आज मैंने बता दी अपने बारे में और सर्विस के बारे में जो मैं प्रोवाइड करता हूँ, बट मेनली ये रहता है कि राइट टाइम पे राइट इन्फॉर्मेशन आपको डिलीवर करना। एक टूरिस्ट गाइड का मतलब ही यही है कि लोगों को सही समय के साथ सही जानकारी देना और यहाँ यहाँ जो पर्यटक स्थल है उनके बारे में एक विवरण तौर पर जानकारी देना। और अब उम्मीद ये है कि साथियों आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, बहुत सारे आजकल फ्रॉड भी होते हैं, मैं कल भी देख रहा था, सच बात बताऊँ तो मुझे कई बार होता भी है यार कि मेरे नाम से भी ना लोग काफ़ी आइडिया बना चाहिए। अब देखो मेरा एक चैनल है डेली यात्रा ब्लॉग्स, तो लोग देखो उसी नाम से चैनल बना रहे हैं। अब मैं चाहकर भी सोचता हूँ कि यार इनकी कंप्लेंट करूँ या फिर क्या करूँ, फिर सोचता हूँ यार माता रानी के नाम से वो लोग पैसा कमा रहे हैं, बट ये कि किसी के नाम से मत कमाओ यार, कमाओ, मैं नहीं कहता कि ना कमाओ, पैसा कमाना अच्छी बात है, चोरी करना बुरी बात है, मगर ये कि मेरे नाम से चैनल जो बना उस नाम से भी लोग करते हैं। बट फिर भी मैं कह रहा हूँ यार ऐसे लोगों से गुजारिश करता हूँ खासकर कि ऐसा मत कीजिए मेरे नाम से, या फिर कोई ऐसी साइबर क्राइम लोगों के साथ भी मत कीजिए। बहुत सारे लोग मेरे को यहाँ जब मिलते हैं ना कहते हैं कि हमने ऑनलाइन हेलीकॉप्टर की टिकट बुक की थी, जब जहाँ आए तो वो फ्रॉड निकला। अब देखो माता रानी के नाम पर लोग कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं कुछ पता नहीं, क्या करेगी पुलिस, क्या करेंगे लोग, जब वक्त निकल गया, पैसे बर्बाद हो गए, एनर्जी वेस्ट हो गई, बाद में फिर आप लोगों को याद होता है कि हम किसी ना अथेंटिक इंसान से पूछ लेते थे, लेकिन तब समय हो जाता है। जब मैं कई बार बोलता हूँ ना कि सर मेरे ना कंसल्टेशन का चार्ज रहता है 250 रुपया, इसे मैं आपको गाइड करूँ, तो कई लोग होते हैं वो बोलते हैं नहीं यार आप गाइड करने के भी पैसे ले रहे हो, ऐसा मतलब कई लोग होते हैं, कई तो जिनको सर्विस लेनी है तो वो तो सोचते भी नहीं है, 2 मिनट अपना काम, वो आजकल 250 रुपये की वैल्यू नहीं है, वैल्यू है टाइम की और एक अथेंटिक इंसान की। कई बार मैं देखता हूँ कि जब मैं बोलता हूँ कि नहीं सर कुछ भी अगर ट्रैवल के संबंधित आपको पैकेज बनवाना है, आइटनरी बनानी है, तो होटल के बारे में पूरा कंप्लीट नारे लेना है, टूरिस्ट जगहों के बारे में नारे लेना, तो मैक्सिमम जो फीस है शायद आप सुनकर भी उतनी नहीं पे करोगे, लेकिन मैंने एक बहुत मिनिमम चार्ज रखा है ताकि मेरा भी कहीं ना कहीं छोटा मोटा जो है अपने घर का खर्चा, अपनी रोटी का खर्चा, कटरा शहर बहुत महंगा शहर है, चले। कई लोग मुझे बोलते हैं कि आपने 250 रुपया लिया, मैं रिप्लाई नहीं करता हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ तो जब वही लोग यहाँ पे आते हैं तो उनका 250 रुपये बदले 2500 लग जाता है, फिर मुझे कहते हैं कि सर अब बताइए यहाँ से कैसे जाना है, क्या करना है, अब यहाँ से हमें ये पिकअप नहीं कर रहे हैं, यहाँ से हमारे साथ ये फ्रॉड हो गया, हमारे साथ वो फ्रॉड हो गया। फिर मैं कहता हूँ कि सर देखो 250 तो ज़्यादा था, अब 2500 लग, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, बट ये है कि अब खैर वो अलग बात है, अलग मैटर है, वो अपनी अपनी सोच होती है, अपना अपना सिस्टम होता है, मैं किसी के साथ फोर्स क्लिक नहीं करता हूँ कि नहीं आप मेरे पास है, जिसने आना है तो मोस्ट वेलकम, जिसने जाना तो उसका भी मोस्ट वेलकम करता हूँ मैं। पिछले दिनों एक शायद माइक को पता नहीं क्या हो गया, बट होपफुली आज की वीडियो रिकॉर्ड हो जाए अच्छे से, तो पिछले दिनों की बात बता रहा हूँ, शायद महाराष्ट्र या गुजरात के गेस्ट उन्होंने ऑनलाइन हेलीकॉप्टर की टिकट से बुक की, 12 लोग थे और हेलीकॉप्टर की एक टिकट लगभग जो है शायद एग्जैक्ट 2100 की 2000 की या 2100 रुपया है, तो 12 लोग सोचिए 12 × 24,000 लग जाएगा जाने का, 24,000 आने का, मतलब लगभग अराउंड 50,000। जब वो लोग मुझसे संपर्क कर रहे थे तो मैंने उनको बोला कि 250 रुपये 250 रुपये मेरे को पे कर दीजिए और मैं कंप्लीट गाइड करूँगा कि कैसे टिकट करना है।
उन्होंने बोला कि नहीं सर, हम ऐसे पहले 250 रुपये नहीं करते। अब उन्होंने ऑनलाइन क्या किया, गूगल में सर्च किया। सर्च करने के बाद उनको पता नहीं कौन सी वेबसाइट मिली, सीधा कोई रीडायरेक्ट करके किसी के व्हाट्सएप नंबर पर। अब जिससे बात वो कर रहे थे उसके उन्होंने स्क्रीनशॉट भी रखे हुए मेरे को बता रहे थे, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बोला कि हम 5 मिनट में टिकट्स आपकी कर देंगे, हमें 50% पैसा का आधार कार्ड भेज दो। अब जो टूरिस्ट लोग थे उन्होंने बड़े खुश हो गए, भाई इतनी जल्दी टिकट मिल गया हमें। तो जब टिकट्स उनके भेजे गए तो वो बड़े खुश हो गए। मैंने उनको बोला कि भाई देखो, अगर आपको मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, बट मुझे नहीं लगता है कि अगर ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है तो और कोई ऑप्शन भी नहीं है, या तो फिर या तो VIP कोटे से अगर लेते थे तब भी मानता। जब कटरा आए, जब वो श्राइन बोर्ड के यानी हेलीपैड पे अधिकारियों ने चेक किया तो वो टिकट खराब हो गया, 50,000 का लॉस हो गया। तो सोचिए फ्रेंड्स, तो यही चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें, माइनर चीज़ें होती हैं। हो सकता है कि आप मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ अपने ईच एंड एवरी फ्रेंड्स का, और हो सकता है कि आप मेरे से बहुत सारे तक दौलत हों, बट कई बार क्या होता है ना कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो सिर्फ लोकल लोगों को ही पता होती है, जो लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े होते हैं, ठीक है। तो वो बड़ी चीज़ है। अब मेरा एक प्रयास भी रहता है कि चलो ज़्यादा तो नहीं कहता हूँ, लेकिन अगर मैं कुछ करने योग्य हूँ, कुछ कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं मेरा एक कोशिश रहती है कि अपने काम के प्रति हमेशा ईमानदारी और हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास। आगे तो इंसान तभी बढ़ सकता है ना फ्रेंड्स, जब अपने काम में कोई ईमानदारी होगा। तो जब अपने काम में ईमानदारी ही नहीं है तो आगे कैसे बढ़ सकता है। तो बस इसी उम्मीद के साथ आगे कोशिश रहेगी। अब ये वर्ष तो लगभग 2024 एक महीना शेष बचा हुआ है, 1.5 महीना। जैसे कैसे मैंने पहले ही बता दिया, रिकमेंडेशन, रिपीट एंड रेफरेंस, तीन चीज़ें इस ईयर में बड़ी कामयाब रही हैं मेरी लाइफ में। आगे भी कोशिश करूँगा, खासकर इंस्टाग्राम और फेसबुक और यूट्यूब साथियों को मुबारकबाद, बधाई के पात्र हैं आप सब लोग। 8,600 लोग जुड़ चुके हैं मेरे चैनल पर। उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आप लोग इसी तरह प्यार करोगे, इसी तरह कोशिश ये करना कि जब आप जम्मू कश्मीर खासकर कटरा आ रहे हैं तो संपर्क करने की कोशिश करना। और 200-250 रुपया कोई ज़्यादा बड़ी चार्ज नहीं है मेरा, मगर ये है कि बड़ी बात है कि आप लोगों का एक प्रोग्राम शेड्यूल जो है वो प्रयास करूँगा अच्छा करने की। और सिर्फ यही नहीं, अगर आप अमृतसर जा रहे हैं, हिमाचल जा रहे हैं, नौ चार दिल्ली जा रहे हैं, कुल्लू शिमला मनाली जा रहे हैं, तो तब भी आप लोग हैं संपर्क कर सकते हैं। और मेरा एक कोशिश रहेगा, प्रयास रहेगा, खासकर जो इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, कहीं से भी आप लोग वीडियो देखते हैं, वहाँ पर एक मेरी पर्सनल भी टच रहता है कि चलो कोई मेरा सब्सक्राइबर है, फैमिली मेम्बर है, कहीं ना कहीं मेरा एक प्रयास रहता है कि आप लोगों को बेटर सुविधाओं के साथ बेटर अरेंजमेंट करने का। तो आज के लिए तो बस इतना ही, बहुत लंबी वीडियो हो गई है मुझे लगता है, बट ये कि लंबी वीडियो का मतलब ये कि कहीं कहीं नॉलेज आपको मिला मेरे बारे में। और आज की अगर मैं बात करूँ तो मौसम काफ़ी सुहाना है, सुबह से ही धूप बड़ी अच्छी निकली हुई है, और माता रानी की दरबार में तो यात्रा 2400 घंटे चल रही है, कोई दिक्कत परेशानी है नहीं है। इन्हीं कुछ बातों के साथ मैं सोमना शर्मा, जम्मू एंड कश्मीर टूरिज़म डिपार्टमेंट का एक अप्रूव्ड टूरिस्ट गाइड कटरा से आज के लिए सभी दोस्तों से, सभी मित्रों से ले रहा हूँ अनुमति। धन्यवाद। जय माता।